हाय एचबीसी टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। भाई ये वीडियो है सेकेंडरी पंप और आपका प्राइमरी पंप, यानी चिलर सिस्टम में आपका सेकेंडरी पंप और प्राइमरी पंप का क्या वर्क होता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है, इस टॉपिक पर ये वीडियो है। तो भाई साहब पहले देखिए, ये हमारी जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी ये प्राइमरी पंप है। हमने यहाँ पर जो हमारा प्लांट है, ये हमारा जो है ओनली प्राइमरी पंप ही से हम इसको जो है यानी चला रहे हैं। देखिए वो हमारा चिलर है, ठीक है, और ये हमारी ये प्राइमरी पंप है। तो प्राइमरी पंप का काम जो होता है, आप सिंपल सा ऐसे समझ लीजिए कि प्राइमरी पंप का काम केवल AHU से पानी सक करके हमारे चिलर को देना, ठीक है। ये लाइन जो आ रही है, ये देख रहे हैं ना, वो ऊपर से वो जो लाइन आ रही है वो हमारे AHU से आ रही है, और ये हमारा सेपरेटर है। सेपरेटर यानी एयर एंड डस्ट सेपरेटर। एयर ऊपर से रिलीज हो जाएगी और जो डस्ट रहेगा वो इसके अंदर रुक जाएगा। बाकी ये लाइन गई है, ये लाइन गई हमारी, वो प्राइमरी पंप ने, वो उसका इनलेट है। एरो देख रहे हैं आप, वो एरो से आई यहाँ पे आया, इसने इस चीज़ को प्रेशराइज किया और फिर वापस से ये हमारे जो है चिलर में चली गई। देखिए ये गई हमारी लाइन, और वो वहाँ पे जाने के बाद ये देखिए ये लाइन आई हमारी, जो हमारी पूरी इंसुलेट है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंसुलेट है। चिलर लाइन को समझने के लिए एक सिंपल समझना है कि हाँ कंडेंसर लाइन कौन है या इसकी लाइन, ये हमेशा जो इंसुलेट रहती है, क्योंकि इसके अंदर से हमारा ठंडा पानी सर्कुलेट होता है। और इंसुलेट इसलिए की जाती है क्योंकि इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर यानी बाहर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में रहेगा, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो ह्यूमिडिटी बाहर की जो हवाओं में पानी रहता है ना, वो इससे चिपक जाते हैं, तो जिसकी वजह से पूरा इधर पानी वही चीज़ मॉइस्चर बनता है। तो इसके लिए इसको इंसुलेट कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है हमारे चिलर में गई लाइन, और यहाँ पे इस पानी को ठंडा किया जाता है अराउंड 6 से 7 डिग्री सेल्सियस, जो भी आप याद रखना, कहीं भी सेट पॉइंट हो, चाहे आपकी 10 फ्लोर की बिल्डिंग हो चाहे 20 फ्लोर की बिल्डिंग हो, आप ये नहीं कि आप उसको 4 डिग्री सेल्सियस से आप सेट पॉइंट देंगे तो आपका टेम्परेचर ऊपर जाके 7 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 6 से 7 डिग्री जो हम ह्यूमन कम्फर्ट जोन को देते हैं, ठीक है, यानी जहाँ पे हमें लोगों के लिए सप्लाई देने थे कूलिंग की, तो वहाँ पे हम मैक्सिमम 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी सेट पॉइंट करते हैं। तो हमारा जो है ये वाटर आता है, जो भी इसका आप जो इसका डेल्टा टी होता है, जो मतलब एवरेज यानी स्टैंडर्ड रेट होता है, जैसे हमने 7 डिग्री यहाँ से सेट करके यहाँ से देते हैं, जो हमारा एचयू से को होके जाता है, और जो आता है तो ये हमारा 11 से 12 डिग्री सेल्सियस यानी 4 से 5 डिग्री का डिफरेंट टेम्परेचर बनता है। तो हमारा इफिशेंसी यानी हमारे चिलर की इफिशेंसी गुड रहती है, यानी अच्छी कंडीशन में हमारा ये चिलर चल रहा है। तो हम बात आ जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, वहाँ से प्राइमरी पंप ने उस पानी को टेक किया यानी उसको सक किया, सक करने के बाद यहाँ पे आया इस लाइन से, और यहाँ पे आने के बाद इसमें ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये वापस ये जा रहा है हमारे AHU में। तो देखिए अब हमने यहाँ पे सेकेंडरी पंप यूज़ ही नहीं किया, ओनली प्राइमरी पंप से काम चल रहे हैं, तो बात उसमें कोई अलग सी चीज़ें नहीं है कि हाँ सेकेंडरी पंप लगाना ज़रूरी है या प्राइमरी पंप लगाना ज़रूरी है, अगर ना लगाएं तो क्या दिक्कत। देखिए जैसे आप मतलब घरों में एक पंप से आपको छत पे पानी चढ़ाना है और एक ही से नीचे भी उतारना है, तो क्या करना है, एक से आउटलाइन, अब ये जैसे आउटलाइन है, आउटलाइन को आपने छत पे डाल दिया और उसी से पानी जो है किसी लाइन से कनेक्ट करके आप नीचे ले आए, ठीक है। तो बात आप समझ रहे हैं ना कि एक ही पंप से अगर आप चाहें तो वहाँ जो सर्कुलेट कर दे, लेकिन आपको अगर और हाइट ले जानी है तो अपने जो आप अपने घरों में टुल्लू पंप वगैरह देखते हैं उसकी जो है बस कैपेसिटी बढ़ानी होगी। जैसे अगर आपका 1 HP का मोटर है तो वहाँ पे अगर और हाइट ले जानी तो 2 HP और 3 HP की लगानी पड़ेगी। तो सेम हमने क्या किया है, देखिए ये जो हमारी प्राइमरी पंप होती है, आप कभी भी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी प्लांट में आप काम करें वहाँ पे चेक करना, प्राइमरी पंप की कैपेसिटी जो होगी आपकी सेकेंडरी पंप से कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मान के चलिए हमने केवल प्राइमरी यूज किया हुआ है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 50 हॉर्स पावर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा जो ये किलोवाट 37 किलोवाट और HP जो है 50 हॉर्स पावर, तो यानी हमारी एक पंप 50 हॉर्स पावर की है, ये केवल ओनली 1 प्राइमरी पंप, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करते सेकेंडरी पंप लगाने की, तो हम क्या करते थे यहाँ पे एक ही पंप को केवल 20 हॉर्स पावर के लगाते थे ओनली प्राइमरी को, और 30 HP का हम वहाँ पे लगाते अपना सेकेंडरी। तो क्या होता है कि
ये प्राइमरी क्या करती है, एचयू से पानी खींच के लेके आती है नीचे। अब एचयू तो मैक्सिमम आप देखते हैं टॉप फ्लोर पे लगाए जाते हैं, यानी चिलर प्लांट आपका बेसमेंट में लगा होता है और एचयू आपका जो है टॉप फ्लोर पे लगता है। तो टॉप फ्लोर से क्या होता है कि कोई चीज अगर छत पर से फेंकी जाए तो क्या होता है, वो ग्रेविटी फोर्स, उसमें ताकत नहीं लगेगी, वो सट से नीचे आ जाएगा। तो उसी तरह ये पानी तो नीचे आ जाता है, वहां से टॉप फ्लोरों से यहां तक ये नीचे आ गया, लेकिन जब इसको जब हाइट देना रहता है, जब ताकत लगानी देती है, तब क्या लगेगा, ताकत लगेगी। ताकत के लिए उसकी हाउस पावर बढ़ाई जाएगी, तो हम क्या करते हैं, उसी लिए सेकेंडरी पंप की पावर को बढ़ा देते हैं, यानी उसके हाउस पावर को जो बढ़ा देते हैं। तो वही होता है कि अगर हम यहाँ पे 20 HP रखेंगे तो सेकेंडरी पंप को 30 से 35 हाउस पावर हमें रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसी 30-35 हाउस पावर को हमने एक ही पंप में बना दिया। अब आप इसको चाहे सेकेंडरी कहा जाए या प्राइमरी, लेकिन हम इसको प्राइमरी ही बोलेंगे, क्योंकि एक प्राइमरी मूवर होता है कि हमारा जो है जो एचयू से पानी सक करता है और चिलर को देता है, उसे हम प्राइमरी कहते हैं, और जो चिलर से सक करके हमारे एचयू को देता है वो हमारा सेकेंडरी पंप होता है। समझ गया ना, कोई भी अगर आपसे ये चीज़ पूछ रहा है कि सेकेंडरी पंप और प्राइमरी पंप में डिफरेंट क्या है, तो पहली चीज़ आप ये बता दीजिए, प्राइमरी पंप की कैपेसिटी हमेशा सेकेंडरी से लो होती है, इसलिए क्योंकि वो केवल एचयू से पानी खींचता है, वो ग्रेविटी फोर्स से खींच लेता है, लेकिन सेकेंडरी पंप हमारा क्या करता है, वो ग्रेविटी फोर्स को क्रॉस करके हमारे एचयू को देता है। यानी चिलर से एचयू को देना हमारी सेकेंडरी का काम है और प्राइमरी का काम एचयू से खींच के हमारे चिलर को देना। ठीक है, ये होता है सेकेंडरी और प्राइमरी का काम। अब बात करते हैं किस पंप को पहले जो है स्टार्ट किया जाए। जैसे मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हम प्राइमरी स्टार्ट करें या सेकेंडरी, तो आप प्राइमरी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, या प्राइमरी स्टार्ट कर दीजिए या सेकेंडरी स्टार्ट कीजिए। सेकेंडरी आप स्टार्ट करेंगे तो आगे का पानी यानी जो है हमारे चिलर से पानी खींच के वो ऊपर ले जाएगा, बस 2 सेकंड बाद आप सेकेंडरी, अगर आप 2 सेकंड पहले सेकेंडरी यार स्टार्ट करें, फिर जो है थोड़ी देर बाद ये प्राइमरी भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जब आपको चिलर चलाना है तो मैं उसकी बात करूँ, फिर उसके बाद आपका वहाँ देख रहे हैं वो हमारा कंडेंसर पंप है, उसको आप कंडेंसर पंप को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब तीनों एक मिनट के अंदर आप चाहें तो हाँ मतलब तीनों पंप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई अलग सी वो नहीं है कि हाँ। लेकिन जब आपका चिलर बंद हो जाता है तो कहीं कहीं ये होता है कि हम प्राइमरी ऑफ कर देते हैं और अपना कंडेंसर पंप ऑफ कर देते हैं। हम सेकेंडरी पंप इसलिए सर्कुलेट करवाते रहते हैं क्योंकि हमारा वाटर जो ऑलरेडी कुछ देर तक ठंडा रहता है। जैसे आप क्या होता है कि फ्रिज जो है घरों में आपने देखी है, आपकी फ्रिज बंद होने के बाद भी काफ़ी देर तक कूलिंग रहती है अंदर, तो उसी तरह इसके अंदर जो है हमारा चिलर ऑफ भी हो जाता है तब भी इसके अंदर हमारा पानी काफ़ी देर तक करीब आधे से एक घंटे तक ठंडा रहता है। अगर ज़्यादा एचयू नहीं चल रहे हैं तो, ज़्यादा एचयू अगर चल रहे हैं तो बस बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट में इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैंने क्या बताया सेकेंडरी प्राइमरी में क्या डिफरेंट होता है। हमें अगर सेकेंडरी लगानी होती तो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देते, यहाँ पे इंस्टॉल करके उसकी सक्शन जो है हम यहाँ कर देते और उसकी आउट यहाँ पे जोड़ देते। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंडरी पंप ये पानी को सर्कुलेट करता। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।